हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका मैया पाठशाला स्कूल चैनल पर यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश चैप्टर जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश का उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स जिनका एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी ठीक है ट्वेल्थ क्लास के जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर्स थे आपके पास नाइन मॉडल टेस्ट पेपर की बुक आती है वो हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं ठीक है तो उसमें एक अच्छा खासा आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं किस तरीके की प्रिपरेशन आपको करनी है कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी लगानी है <coughs> किस तरीके से पढ़ाई करनी है चांस आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है कुछ प्रिपरेशन आपकी ऑन पॉइंट नहीं है कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपने छोड़ दिया नहीं करना आता है तो उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता दी है कॉम्प्रीहेंशन फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को टेंशन रहती है कि वो कैसे करेंगे समझ में नहीं आता है ठीक है तो उसके लिए बिना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े मैंने आपको एक ट्रिक सॉल्व करवा दी है कि आपको किस तरीके से आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसे सॉल्व करना है फिर आता है ग्रामर जो आपका राइटिंग है राइटिंग पार्ट में मैंने आपको बताया था फॉर्मेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप अंदर कुछ भी एक बार लिख रहे हैं रेलिवेंट होना चाहिए वो टॉपिक के ठीक है थीके? ऐसा नहीं गाने लिखकर आ जाओ आप रेलिवेंट आपने लिख दिया उसके बाद फॉर्मेट फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर फॉर्मेट आपने सही बना दिया है और कुछ रेलिवेंट आपने अंदर लिख दिया है तो वो हंड्रेड परसेंट आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे उसमें से फॉर एग्जांपल चार मार्क्स का आएगा आएगा उस वो आपका क्वेश्चन पेपर है या क्वेश्चन है वो वाला तो टू या टू एंड हाफ टू पॉइंट फाइव मार्क्स आपके उसमें आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है फिर आगे सेक्शन सी सेक्शन सी ग्रामर रहता है उसके अंदर काफ़ी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है सारे पेपर जितने भी नो मॉडल पेपर थे सब में हमने इतना ग्रामर देखी है तो वो भी हम कर चुके हैं देन सेक्शन डी लिटरेचर है लिटरेचर में भी सीन पैसेज आ रहा है एक छः मार्क्स का तो उसमें भी छः मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हो सिर्फ पेपर पढ़ के ठीक है तो सारे मॉडल पेपर करने के बाद एक बार ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठने जा रहे हो या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ही नहीं देखे उनसे आपको एक अच्छा सा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या पूछे जा रहे हैं ठीक है ये आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रखनी है ठीक है सो दैट आपको एक पैटर्न पता चल जाएगी कि किस तरीके के एग्जाम में पेपर आने वाले तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2023 जो लास्ट आपका लास्ट साल था प्रीवियस ईयर 2023 उस वाला क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं ठीक है या फिर क्या आपका रेट क्या रहेगी कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे हो सकता है थोड़ा बहुत आपका सिलेबस में पैटर्न में चेंज हो जो पैटर्न पिछली साल था वो अब ना हो ठीक है तो उस चीज़ में हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है सिर्फ और सिर्फ अभी हमको ये देखना है कि किस तरीके के आपका क्वेश्चन आने वाले लगभग एट्टी परसेंट आपका पेपर सेम ही है ठीक है जो पिछले साल का सिलेबस था वही सिलेबस है और पैटर्न भी सेम ही है तो एक बार ही देखते हैं हम आइडिया हमको एक बार ही पता चल जाएगा कि ट्वेंटी में जो पेपर आया था उससे भी काफ़ी आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस तरीके का पेपर आपका आने वाला है ठीक है तो अगेन हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन ए बी सी और डी टी के चार आपके सेक्शन रहते हैं चार सेक्शन रहेंगे जिसमें से फर्स्ट सेक्शन आपका रहेगा सेक्शन ए सेक्शन ए में दो आपके पैसेजेस रहेंगे ठीक है दोनों पैसेज में फर्स्ट पैसेज नाइन मार्क्स का है नेक्स्ट सिक्सटी मार्क्स का रहेगा फिफ्टीन मार्क्स के आपके पैसेज आएगा ठीक है तो फिफ्टीन मार्क्स सबके मेरे हिसाब से मैं मान के चलती हूँ अगर आप ये सारे वीडियोज़ देख रहे हो आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लिया है तो अब मेरे हिसाब से थर्टीन फोर्टीन आउट ऑफ फिफ्टीन तो आपके आराम से आ ही जाने चाहिए या फिर फुल ऑन फुल 15 भी आ रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है अब आ ही जानी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस आपने नौ मॉडल पेपर की ऑलरेडी कर लिए जिन बच्चों ने सारी वीडियोज़ नहीं देखे आप एक बार ही वापस जाके पीछे वीडियोज़ देख लीजिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रोज़ अभी अगर आप दस दिन हैं आपके पास ठीक है नौ दिन भी अगर आप रोज़ रोज एक वीडियो देख लोगे तो भी आपका काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें ठीक है तो रोज़ की एक वीडियो एक घंटे की भी लगभग नहीं है फोर्टी फाइव मिनट्स आपके लगेंगे और आपका पेपर रिविजन हो जाएगा ठीक है तो ये चीज़ रिवाइज़ करने के लिए बहुत अच्छी है लास्ट टाइम के लिए अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा प्लस आपके जो फॉर्मेट हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि नोटिस का क्या रहता है रिपोर्ट का क्या रहता है तो एंड टाइम पे जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी बहुत लोग सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं ठीक है कि सोच रहे हैं कि अरे नोटिस में बॉक्स बनता है कि नहीं बनता है रिपोर्ट में बॉक्स बनता है कि नहीं बनता है तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके एकदम आपके दिमाग में छप जाएंगी चीज़ें ठीक है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं सीधे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और आगे बढ़े टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशस है टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि इंग्लिश का पेपर लेंगदी आता है हंड्रेड ठीक है तो आपको अपनी स्पीड शुरू से ही तेज़ रखनी पड़ेगी बिल्कुल हाय हेलो हेलो एवरीवन ठीक है गुड आफ्टरनून टू यू ऑल और प्रिपरेशन uh, कर रहे हैं हम यहाँ इंग्लिश की आप पेपर पे ध्यान दीजिए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश का जिसमें से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का आपके क्वेश्चन आने वाला है ठीक है तो फर्स्ट आपका जो ट्रिक रहेगी कॉम्पिटिशन पैसे सॉल्व करने की वही ट्रिक से करेंगे हम तो पहला हम देखते हैं व्हाट साइज़ वाज द ट्रेंच साइज़ और ट्रेंच यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा साइज साइज़ और ट्रेंच हम यहाँ पैसेज के अंदर ढूंढेंगे जहाँ पे हमें मिलेगा वहीं पे आपको इस चीज़ का मिल जाएगा आंसर ठीक है तो फर्स्ट लाइन देखेंगे हम साइज और ट्रेंच हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है ठीक है नेक्स्ट लाइन में आएंगे नहीं है थर्ड लाइन में देखेंगे वहाँ भी नहीं है ठीक है बट स्पेंड द इंटायर टाइम डिगिंग अ शेलो ट्रेंच अबाउट टेन फीट लॉन्ग ठीक है साइज आपको यहाँ मिल गया है ट्रेंच लिखा हुआ है टेन फीट लॉन्ग एंड टू और थ्री फ़ीट वाइड दिस इज योर आंसर ये पूरा डायमेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है दिस इज योर आंसर नंबर वन पूरा मेजरमेंट आपको यहाँ पर लिख गया ठीक है साइज पूछा तो साइज हमसे ऑब्वियस बात है लेंग्थ और ब्रेथ ही बचानी होगी तो ये फीट्स में आपका आंसर है आंसर नंबर वन मिल गया ठीक है नेक्स्ट है वॉट डेड द एल्डरली पर्सन डू बिफोर वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कोल्स ठीक है तो यहाँ पे आपका मेन वर्ड रहेगा एल्डरली एंड नेक्स्ट आपका रहेगा रेड हॉट कोल्स ठीक है तो एल्डरली और रेड हॉट कोल्स देखेंगे हम कहाँ मिल रहा है हमें और वहीं आपका आंसर रहेगा ठीक है देखते हैं आप लोग भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को कर सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा बाय द टाइम प्रोफेसर हैड हैड फिनिश्ड एक्ट दिस ट्रेंच बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोल्स फ्रॉम द कुक हाउस देर वॉज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस फायर ट्रेंच ईदर ठीक है आप यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट एल्डरली जेंटलमैन ये रहा आपके पास दिस इंडियन रादर एंड एल्डरली जेंटलमैन देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच स्प्लैश वाटर ठीक है बेर फीट एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोल्स अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच ये रहा आपका आंसर नंबर टू इसके अंदर आपको एल्डरली भी मिल रहा है और आपको उसके अंदर क्या मिल रहा है रेड हॉट कोल्स दोनों के दोनों वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ठीक है तो ये चीज़ आपका हंड्रेड परसेंट यहाँ पर आंसर हो जाएगा अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि कॉम्प्रहेंशन में कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ठीक है आंसर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं कॉम्प्रिहशन में लिखा क्या है वो भी समझ नहीं आ रहा फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप लिख दो जहाँ भी आपको वैसे वर्ड्स मिल रहे हैं जो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं सेम वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ एल्डरली मिल गया रेड हॉट कोल्स मिल गया ठीक है सेम वर्ड्स मिल गए फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप आप डायरेक्टली लिख दो वो आपका यहाँ पे आ, हो जाएगा आपका काम ठीक है तो आप सीधे 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 आंसर लिख दीजिए आप फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप आपके आंसर आ जाएंगे तुक्का लगाना है अगर तो ब्रेन वाला तुक्का लगाना ब्रेनलेस तुक्का लगाओगे मार्क्स ख़राब हो जाएंगे तुक्का अगर आप ब्रेन लगा के लगाएंगे तो उसमें फिर भी आपके 80 या 90 परसेंट चांसेस हो जाते हैं कि आपको आपके मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे ठीक है तो तुक्का लगाना है हमको दिमाग के साथ बिना दिमाग के तुक्का नहीं लगाएंगे आप ठीक है हेलो हेलो नेक्स्ट है आपका व्हाट हार्म वाज कॉज टू द एल्डरली जेंटलमैन बाय दिस एक्शन ठीक है हार्म एंड एल्डरली जेंटलमैन में यहाँ पर आपका वर्ड रहेगा हा, हार्म हार्म ढूंढना है हमें एल्डरली जेंटलमैन को क्या हार्म हुआ था ठीक है तो एक बार हमने देख लिया कि उन्होंने बेर फीट ही वॉज वॉकिंग अपॉन द कोल्स कोयलों के ऊपर नंगे पैर चल रहे थे वो ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल वी कुड सी द लो फ्लेम्स ऑफ द रेड हॉट कोल लिकिंग अराउंड इज बेर फीट ठीक है हार्म देखना है हमें रीच नॉट सेटिस्फाई ही टर्न अराउंड एंड वॉक बैक द सेम वे ही देन स्क्वाटेड डाउन ऑन द ग्राउंड जेस्टर टू ही फीड ठीक है हार्म हमें यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है ब्लिस्टर एनी वे टू बी सीन आई हैड पुस्ड फॉरवर्ड यहाँ पर आप देखते जाओगे हैंड कचिफ इट वॉज देन रिकेगनाइज टू हिम ही हैड लुकड एट वंस ब्रीफली ही पास्ट ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड यहाँ पर आप लिखते जाएंगे आगे जाओगे जैसे जैसे आपको हार्म कहीं मिलेगा वहाँ आपको आंसर मिलेगा

उनको इस आ, ये कोयलों के ऊपर जब वो नंगे पैर चले तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गई उनको क्या सारा उनको नुकसान हुआ था तो ये आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे आपको क्या क्या लिखेंगे रेड हॉट वेन ही रीच इट एज़ नॉट सेटिस्फाइड जेस्टर टू हिज फीट इन्वाइटेड अस ऑल टू इंस्पेक्ट देम वी एंड देर वॉज नॉट सो मच ब्लिस्टर एनी वे टू बी सीन ठीक है ये आपको बताना है कि कोई ज़्यादा हार्म नहीं हुआ था ठीक है क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो ओल्ड जेंटलमैन था जब वो कोयले के ऊपर चला तो उसको क्या नुकसान हुआ था ठीक है तो आपको यहाँ पे ये आंसर लिखना है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था ही वॉज गुड तो ये आपका आंसर नंबर नेक्स्ट हो जाएगा ये आपका सेकेंड ठीक है थर्ड क्वेश्चन सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे नेक्स्ट है वेन डिट द नरेटर रेकेगनाइज द मैन ठीक है रेकेग्नाइज द मैन देखना है हमें द प्रोफेसर बाय नाउ ठीक है हैड रिकवर्ड फ्रॉम हिज इनकाउंटर सेकेंड पैराग्राफ में मिलेगा आपको ये ही हैड लुकड एट मी ही वांस ब्रीफली एज ही पास द एंड टू मी बट वैन आई वेंट टू स्पीक टू हिम ही लुकड अवे अगेन सो आई केप्ट माई माउथ शर्ट इफ़ ही वॉन्टेड टू प्रिटेन दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश देन दैट वॉज ऑल राइट बाई मी ठीक है अब यू ऑब्वियसली इट अम्यूज हिम यहाँ तक ठीक है उसे कब समझ में आया कि वो प्रोफेसर है जब वो बाद में बात करके जाने लगा उनके पास उन्होंने फिर भी उससे आंखें चुरा ली ठीक है आंखें इधर कर ली जब जाके उनको पता चला द प्रोफेसर बाय नाउ ठीक है तो ये आपका हो गया आंसर नंबर फोर नेक्स्ट है आंसर नंबर फाइव है आपका आंसर नंबर फाइव है व्हाट डिड द क्राउड डू टू अम्यूज द मैन ठीक है तो यहां पे आपका मेन वर्ड रहेगा अम्यूज अम्यूज देखेंगे हम ठीक है इसके बाद आप जाओगे क्राउड एंड अम्यूज क्राउड एंड अम्यूज जहाँ पे दिखेगा आपको वहीं पर आपका आंसर होगा एल्डरली जेंटलमैन देन स्टोड ठीक है एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच प्लैश्ड वाटर उसके बाद नीचे आओगे आप एल्डरली जेंटलमैन एंड अम्यूज ये देखना है हमें जब आपको ये मिल जाएगा तो वहीं पर आपका आंसर मिलेगा आपको ठीक है क्राउड एंड अम्यूज तो क्राउड और अम्यूज देखेंगे हम तीन तीन लाइन करके देखते जाएंगे क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा हमें एक सा सारा चैप्टर अगर आप पैसेज देखने बैठ गए तो पूरा का पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा थ्री थ्री लाइन्स देखेंगे यहाँ नहीं है इसको आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाएंगे फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर यहाँ भी नहीं है इससे आगे बढ़ेंगे हम उसके बाद वॉक द एंड ऑफ द ट्रेंच यहाँ भी नहीं मिलेगा ठीक है क्राउड एंड अम्यूज़ क्राउड एंड अम्यूज़ ढूंढना है हमको अगर आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पे तो आप मुझे इस चीज़ को लाइव पे बता सकते हो ये रहा है यहाँ पे ठीक है आई हैड पुस्ट फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड टू गेट अ क्लोजर लुक एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट ठीक है उसके बाद बिसाइड हिम फिल सेमथिंग हैंड इट वॉज हैंड कचिव एंड देन रेकग्नाइज हिम ठीक है रेकग्नाइज हिम का जो हमने आंसर लिखा है वो आपको यहाँ से लिखना होगा पूरा का पूरा यहाँ से ठीक है ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस क्वेश्चन जब आप देखोगे तो ये आपका सॉल्व अगर आपने ऑलरेडी कर लिया वेरी गुड टू यू नहीं किया है तो आप यहाँ पे एक बारी ध्यान से देखना ठीक है ये रिकगनाइज हिम वाला जो आपका आंसर फोर हमने देखा था वो यहाँ पर है क्राउड और अम्यूज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं नीचे आपने किसी ने लिखा है यहाँ पे नीचे मुझे नहीं दिख रहा है क्राउड और अम्यूज कहाँ पर है ये रहा ठीक है मिल गया ऑब्वियसली से मिलेगा आपको इट अम्यूज हिम टू लिसन टू द कॉमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड ठीक है गैदर्ड अराउंड हिम द प्रोफेसर बाय नाउ ठीक है तो आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि क्राउड क्या कर रहा था तो क्राउड वॉज एडमायरिंग हिम वेरी गुड ठीक है तो मिल रहे हैं ना आपको आंसर इस ट्रिक स्ट्रिक से तो ये ट्रिक है आपकी यहाँ पे काम करेगी यहाँ पे आपका आंसर नंबर फोर था कि ऑथर uh, ने नरेटर ने कब पहचाना जेंटलमैन को तो यहाँ पर है रिकिग्नाइज हिम यहाँ तक आपको लिखना है ये वाला आपका आंसर नंबर फोर था देन है आपका अम्यूज और क्राउड ठीक है कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप इस चीज़ को अम्यूज और क्राउड जहाँ पे मिल रहा है फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप लिख दीजिए 75 परसेंट तक आपका आंसर वहां से करेक्ट हो जाएगा ठीक है पैसेज आपका होना इसी टेक्निक से है कोई ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको ठीक है तो यहाँ पे आपके फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं पांच मार्क्स आपके सेफली बिना पड़े उसको पैसेज को आपके आपके हाथ में आ जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है नेक्स्ट रहेगा आपका हु वॉज हेडिंग द ट्रूप ठीक है तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ट्रूप जो आपका पूरा ग्रुप चल रहा था वहाँ पे उसको हेड कौन कर रहा था ठीक है तो ये अच्छा खासा अच्छा लेवल का वो आया है आपके पैसेज ठीक है इजी नहीं है और टेंथ क्लास का जो आर का पैसेज आया था जिसका एग्जाम हो चुका है उनका पैसेज काफी इजी था लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम यहाँ कर रहे हैं तो आपका ईजी पैसेज नहीं आया है काफ़ी मीडियम लेवल का कहेंगे इसको ठीक है तो आपको इसमें बहुत ध्यान लगा के काम करना पड़ेगा मैं आपको इस तरह से नहीं बोलूंगी यहाँ पे कि बहुत इजी आराम से हो जाएगा होगा इजी ठीक है अगर आपने रिवीजन किया है काफ़ी बार इसकी प्रैक्टिस की है आपको अच्छे से हो जाएगा कोई टेंशन लेने की बात नहीं लेकिन हाँ लेवल अच्छा आ रहा है तो आप इस चीज़ के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना ठीक है तो यहाँ पे हु वॉज लीडिंग द ट्रूप ठीक है तो आप पे यहाँ पे देखोगे द प्रोफेसर बाय नाउ हैड रिकवर्ड फ्राम इज इनकाउंटर फाइव टन ट्रक एंड ही केम ओवर टू से इन हॉल्टिंग इंग्लिश ट द फायर वॉकर वुड टेक अ वॉल्टियर विद हिम अक्रॉस द फायर ट्रेंच ठीक है यहां पर आपको ये बताना है कि ऑल दो द वेरी गो आइस कोल्ड विथ फीय ठीक है तो यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ भी यहाँ पे फर्स्ट लाइन आप देखोगे यहाँ आपको मिल रहा है देर वॉज अनादर इंडियन विद द प्रोफेसर एंड हिस् ट्रूव

सिक्स मार्क्स अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ोगे और डायरेक्ट अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिया आपने तो सिक्स मार्क्स आपको स्टार्टिंग में डायरेक्ट मिल जाएंगे यहाँ पे कोई भी इसमें जब हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो मीनिंग और अपोजिट वाला क्वेश्चन नहीं आया है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर मिल रहा है हमको मीनिंग ठीक है मीनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ज़्यादा ज़्यादातर लोगों को आपको प्रॉब्लम रहती है कि मीनिंग कैसे बताएंगे हम कैसे नहीं बताएंगे ठीक है हम यहाँ पे आर का प्रीवियस ईयर का क्लास ट्वेल्थ का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये अभी करंट का पेपर नहीं है तो फ़िलहाल आप स्कोर की चिंता मत कीजिए कि, 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 कि कितने किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी आप यहाँ पे क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए कि कितना आपका सही आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसमें से आपका पेपर कितना रेलिवेंस रखेगा इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपका रेलिवेंस हो सकता है ठीक है तो आप एक बार ढंग से देखो यहाँ पे और फोकस करो वीडियो के ऊपर जो भी आपको यहाँ पे समझा रहे हैं उस तरीके से ठीक है तो यहाँ पे मीनिंग निकालना है आपको मीनिंग किस चीज़ का है नॉट वेरी डीप नॉट वेरी डीप का मतलब होता है डीप का अपोजिट डीप का अपोजिट बचपन से पढ़ रहे हैं हम डीप का अपोजिट होता है शैलो ठीक है तो हम एक बार पैसेज में देखते हैं शैलो कहाँ पे लिखा हुआ है शैलो है भी कि नहीं है ठीक है तो पैसेज में आप देखोगे फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख जाएगा शैलो ठीक है थर्ड लाइन के अंदर सामने लिखा हुआ है शैलो ठीक है तो डीप का अपोजिट शैलो होता है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डीप का नॉट वेरी डीप का हो जाएगा शैलो ठीक है ये हो गया फर्स्ट आंसर देन है सीन सीन uh, का मतलब आपको वहां से निकालना है सीन का मतलब क्या है प्रीवियस में देखेंगे जाकर सीन में देर वॉज अनदर इंडियन प्रोसेस यहाँ पर आप देखते जाओगे सीन का मतलब और क्या वर्ड में हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे scene, scene मतलब एक कोई भी पिक्चर कोई भी व्यू ठीक है सीन का मतलब और किस चीज़ का आपको यहाँ पर दिख सकता है आप अगर आपको मिल रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए मेरे हिसाब से आपका सीन का मतलब एनकाउंटर या फिर एक वर्ड और मैंने यहाँ पे देखा था उससे हम लोग मिला सकते हैं ठीक है हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉग मैन एक्ट बट स्पेंड द इंटायर टाइम डिगिंग यहाँ से आप चलते जाओगे एक वर्ड इधर भी आया था सीन से जिसका बहुत रेलिवेंस हो रहा था आपको लगभग लगभग रेलिवेंस देखना है ठीक है बिल्कुल क्लियर आपको कोई चीज़ मिल जाएगी उतना नहीं होगा आपको लगभग अप्रॉक्स एक देखना है आपको कि कितना कितना मीनिंग हमें मिल रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक हमें सीन से मिलता मिलता वर्ड नीचे दिखाया ठीक है नीचे अभी हमने देख लिया वो देखते अपन पूरा इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल ठीक है सीन स्पेक्टिकल या फिर एक नीचे जो हमने वर्ड देखा था अभी एनकाउंटर ठीक है एनकाउंटर या फिर एक्सपेक्टिकल सीन का मतलब इन दोनों में से आपका हो सकता है ठीक है तो सीन का आपका हो जाएगा यहाँ पे आ, इनकाउंटर या फिर एक्सपेक्टेगर ठीक है तो ये हो जाएगा आपका वर्ड ठीक है मीनिंग अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसके साथ आप रिस्क ले सकते हो फिफ्टीन में से थर्टीन या फिर फोर्टीन आपका टारगेट रहना चाहिए इससे नीचे नहीं अपोजिट ऑफ फ्लुएंट फ्लुएंट का अपोजिट क्या होता है uh, यहाँ पे देखेंगे फ्लुएंट और उसका अपोजिट ठीक है ही हैड लुक्ड एट मी वंस ब्रीफली एज ही पास एंड बट वेन आई स्पीक टू हिम ही लुक्ड अवे ठीक है यहाँ पे आपको कल यहाँ पर लिखा हुआ था इट अम्यूज हिम लिसन टू द कमेंट्स ऑफ इंग्लिश के बारे में लिखा था हॉल्ट लिखा था वहाँ पे ठीक है तो इट वॉज नॉट फ्लुएंट नॉट फ्लूएंट का मतलब लिखना है आपको क्योंकि अपोजिट ऑफ फ्लुएंट पूछ रहे हैं ठीक है बाय नाउ हैड रिकवर्ड फ्रॉम इज इन्क्वाउंटर विद फाइव टर्न ठीक है हॉल्टिंग इंग्लिश हॉल्टिंग ठीक है फ्लूएंट का अपोजिट हो जाएगा आपका हॉल्टिंग फ्लुएंट मतलब होता है कोई चीज़ बहुत क्लियर होना एकदम क्लियर किसी चीज़ का चलना ठीक है तो यहाँ अब आप आपको क्लियर नहीं बताने रुक रुक के रुक रुक के अगर कोई बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं हॉल्टिंग ठीक है halting, तो अपोजिट ऑफ़ फ्लूएंट हो जाएगा आपका यहाँ पे हॉल्टिंग ये हो गया आपका पैसेज पूरा कंप्लीट छः मार्क्स का था ये छः मार्क्स हमने पूरे यहाँ पे कवर कर लिए हैं छः नहीं सॉरी नाइन मार्क्स का आपका पैसेज फर्स्ट वाला है फर्स्ट बा नाइन मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे ठीक है देखो राइटिंग का आपका सबसे बड़ा रोल जो रहेगा वो रहेगा मार्क्स में ठीक है कैसे आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके राइटिंग ऐसे तो मार्क्स नहीं कटने वाले फॉर श्योर sure. अगर एग्जामिनर ने आपके देखे कि राइटिंग ख़राब है तो वो डायरेक्टली मार्क्स तो नहीं काटेंगे आपके कि राइटिंग ख़राब है इसलिए मैं माइनस टू करके दूंगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपने वहाँ जो लिखा है वो मेन मेजर uh, तरीके से आपका वो देखेगा कि किस तरीके से आपने लिखा है पर हाँ ये बात है प्रेजेंटेशन किस तरीके से आपकी अगर सुंदर कॉपी लगेगी तो पहला एक इम्प्रेशन बनता है एग्जामिनर के ऊपर ठीक है अगर आपकी वो कॉपी चेक करने बैठेंगे और नीट और सुंदर काम लगेगा उनको राइटिंग कैसी भी हो लेकिन आप नीट करो ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है पेन आपको बार बार उसमें चेंज नहीं करना है एक ही पेन से आप पूरा पेपर लिखो प्रेजेंटेशन सुंदर होनी चाहिए ब्लैक और ब्लू पेन आप यूज़ करो ठीक है तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो हंड्रेड परसेंट आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं ठीक है नीटनेस के खुश माल जो आप एग्जामिनर को एक एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ठीक है इस बच्चे ने अच्छा लिखा है तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे बुरी हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं कटेंगे वो आप अपने दिमाग से निकाल दो उसकी कोई टेंशन नहीं है मार्क्स कटेंगे नहीं लेकिन हाँ ये बात है कि अगर आप नीट काम कर रहे हो तो हंड्रेड परसेंट थोड़ा सा आपको एज मिलता है उसके अंदर टू या थ्री मार्क्स का एज आपको हंड्रेड परसेंट उसमें मिलेगा ठीक है एनी एल्स डाउट आपको कुछ भी और भी डाउट है अगर तो आप मुझे यहाँ लाइव पे बता सकते हो आई कैन कम्युनिकेटेड विथ यू कुछ भी आपको एंड टाइम पे अगर आपको रिविजन से लेके या कोई भी आपको प्रॉब्लम है नाइन मॉडल पेपर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब सीधी सी बात है कि ये वीडियोस तो आपको आ, मिल जाएंगी बहुत सारी और आप कर भी लोगे प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम इसके अलावा अगर आपको पेपर सॉल्व करने में या फिर पेपर अटैम्प करने में कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कोई डाउट है आपके किसी भी और सब्जेक्ट के रिलेटेड में या फिर कुछ भी तो आप मुझे यहाँ पे लाइव पे बता दीजिए वो मैं आपका अगर पॉसिबल होगा तो मैं क्लियर कर दूँगी नहीं तो बाकी जो फैकल्टीज आएंगे तो वो आपके लिए क्लियर कर देंगे उन उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए ठीक है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक मत करो बोर्ड्स हैं सिर्फ नॉर्मल एग्जाम समझ के जाओ आप ठीक है जितना आप काम रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और उतना ही आप अच्छे से पेपर करके आओगे क्योंकि यूजली क्या होता है जितना हम पैनिक करते हैं ना उतना ही हम गलती कर जाते हैं ठीक है तो गलती करने की रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए पैनिक नहीं करना है काम रहना है और उतना अच्छा पेपर होगा आपका ठीक है क्योंकि हंड्रेड परसेंट सी बात है कि आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं सब कुछ आप अपने अपना ऑन पॉइंट रखा हुआ है मतलब आप पढ़ाई तो कर रही हो पढ़ाई कर रहे हो मतलब पेपर अच्छा होगा फॉर श्योर है पेपर ईजी ही आने वाला है आप उसकी चिंता मत करो ठीक है नेक्स्ट पैसेज के ऊपर जाएंगे हम नेक्स्ट पैसेज अगेन आपका हम लोग उसी ट्रिक से करेंगे ठीक है इंस्पेक्टर रॉबिसन हैड बीन कम्प्लीटली इन द डार्क द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स डार्क मीन्स वॉट हैप्पी कन्फ्यूजन क्यूरियस या अनहैप्पी ठीक है तो आपको पैसेज में अंदर देख के बताना है कि किस तरीके से बात कर रहे हैं वो किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं डार्क मीन्स ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा ठीक है तो नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं अनहैप्पी और कन्फ्यूजन तो हम देखते हैं पैसेज में वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है अच्छा तो मैंने आपको बेटा पहले भी बताई थी एक चीज़ कि वर्ड के मीनिंग बहुत सिंपल सिंपल से आ रहे हैं इतने डिफिकल्ट जो हमने मॉडल पेपर में देखे हैं उतने डिफिकल्ट पेपर में आपके नहीं आएंगे ठीक है फिर भी अगर आपके दोनों जो सेक्शन ए है सेक्शन ए कंप्लीट 15 मार्क्स का आएगा एक पैसेज 9 मार्क्स का आ रहा है एक पैसेज 6 मार्क्स का आ रहा है ठीक है तो 15 में से 13 या फिर 14 हमें टारगेट लेके चलना है ठीक है उतने तो आने ही चाहिए एक दो मार्क्स अगर आपको मीनिंग में चले भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं लेकिन फिर भी मीनिंग के मार्क्स भी आप लेके आ सकते हो कैसे लेके आ सकते हो आपको टेंशन नहीं लेनी है आप एकदम ठंडे दिमाग से ये सोचना कि कौन सा चीज़ एलिमिनेशन ट्रेक्निक्स अभी फॉर एग्जाम्पल हम एम का कर रहे हैं तो एम सी क्यूज ध्यान से

द पुलिस हैड नो आइडिया ऑफ हिज आइडेंटिटी अनटिल एट लास्ट द मैन वॉज एबल टू टेल दैम हु ही वॉज एंड वॉट हैड हैपेड ठीक है तो यहाँ पर आपको सीन इन अ स्मॉल साइड यहाँ पर हंड्रेड परसेंट कन्फ्यूजन की बात हो रही है यहाँ पर आपके लिए अनहैप्पी की बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर हैप्पी तो नहीं है डार्क आपका हंड्रेड परसेंट नेगेटिव वर्ड रहेगा तो इसको थोड़ा लॉजिकली भी करेंगे तो हैप्पी नहीं होगा ये ठीक है क्यूरियस भी नहीं होगा कन्फ्यूजन uh, बोलेंगे इसको ठीक है अनहैप्पी नहीं है अनहैपी क्योंकि नेगेटिव वर्ड तो है लेकिन के अकॉर्डिंग अनहैप्पी नहीं है कर्सिव राइटिंग नहीं 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 कर्सिव राइटिंग अगर आपके हैंड हैंडराइटिंग में प्रैक्टिस में है और आपको टाइम कंज्यूमिंग ना लगे आप जल्दी जल्दी काम करोगे और तब भी कर से राइटिंग लिख सकते हो तो तो आप लिख देना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टाइम खराब करके राइटिंग पे ध्यान मत देना कि मैं तो सुंदर राइटिंग लिखूँगा बल्कि टाइम वेस्ट हो जाए टाइम वेस्ट मत करना आपको राइटिंग आप कैसी भी लिखना लेकिन स्पीड में रहना हमेशा क्योंकि इंग्लिश का पेपर लेंगदी आता है सेक्शन बी में आपको सब कुछ लिखना है एक एक पेज का आपको लिखना है भर भर के ठीक है तो उसमें राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना ज़्यादा ध्यान आपको कंटेंट पे देना है कंटेंट ही नहीं होगा तो राइटिंग कुछ नहीं कर पाएगी ठीक है वन वन टू क्वेश्चन पेपर बेटा मेरे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सॉल्व करना है आप चाहे तो यहाँ पे हमें पीडीएफ भेज दीजिए नहीं तो टेलीग्राम मैया पाठशाला स्कूल जो है वहाँ पर आप पीडीएफ भेज दीजिए कोई भी पेपर सॉल्व करवाना है मैं करवा दूँगी आपके लिए फॉर श्योर ठीक है तो ये वन वन टू मेरे समझ में नहीं आ रहा है वन वन टू क्वेश्चन पेपर कौन सा है क्या सॉल्व करवाना है आप प्लीज़ मुझे पिक्चर्स भेज दीजिए या तो क्वेश्चन पेपर की मैं मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी फॉर श्योर sure. uh, टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइडेड है आप इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए मैं आपके लिए सॉल्व करवा दूंगी वो ठीक है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा यहाँ पे सी ठीक है सी रहेगा कन्फ्यूजन देन नेक्स्ट है द रॉब्ड मैन वॉज फाउंड अनकॉन्शियस इन ठीक है तो हमने अभी देखा था होटल नहीं है रूम नहीं है इट इट वॉज इन द कार पार्क नीचे जो कार की पार्किंग थी उसमें अनकॉन्शियस मिला था वो ठीक है नेक्स्ट है द पुलिस गेव द डिस्क्रिप्शन टू द ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा था हम वापिस देखते हैं पुलिस गेव डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन देखेंगे या पुलिस देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इस वाले पैराग्राफ को छोड़ दो नेक्स्ट पे आएंगे हम पुलिस गेव डिस्क्रिप्शन टू तो ठीक है डिस्क्रिप्शन हमको देखना है कि कहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है uh, ही हैड बिन रॉब्ड उसके बाद हैपेन्ड वॉट हैड हैपे गिव देम अ डिस्क्रिप्शन ये रिस्क्रिप्शन ठीक तो तो है तो डिस्क्रिप्शन आपको जहाँ दिख रहा है वहीं मिलेगा ऑफ द मैन टू द न्यूज़ पेपर्स ठीक है तो न्यूज़ पेपर आपका आंसर है यहाँ पे ठीक है तो ये आपका थर्ड वाले का आंसर रहेगा न्यूज़ पेपर ठीक है तो इस तरीके की ईजी क्वेश्चन आएंगे एक पैसेज आपका डिफिकल्ट रहेगा लेकिन दूसरा पैसेज आपका काफ़ी ईजी है है ना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पैसेज में मार्क्स लेके आना बहुत ईजी है सेक्शन ए सेक्शन बी पूरा पूरा आपके हाथ में है इसके अंदर मार्क्स लेके आना आपके हाथ की बात रहेगी पूरी ठीक है इसमें कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपके हाँ ये बात एकदम सही है कि ये आरबीएससी का लाइव चल रहा है यहाँ पे सी का नहीं है ठीक है आरबीएससी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ सी का ये सोल्यूशन लाइव क्लास नहीं चल रही है अगर आपको चाहिए कि मैं सी बी एस सी का लाइव सोल्यूशन यहाँ पे करवा दूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा मैं यहाँ पे दूसरा लाइव लगा के उसका सोल्यूशन एक बार आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ठीक है द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द वॉन्टेड मैन एट द डाइनिंग टेबल ऑफ ऑफिस रेस्टोरेंट ठीक है ये हमने अभी पैसेज में देखा था नेक्स्ट है इंस्पेक्टर रॉबिसन एंटर द रेस्टोरेंट थ्रू द किचन ठीक है ये भी हमारा पैसेज के अंदर था अगर आपको नहीं है तो मैं बता देती हूँ एंटर्ड द रूम थ्रू द किचन ठीक है तो इंस्पेक्टर रॉबिंडसन देखेंगे आप कहाँ से एंटर्ड ये रहा एंटर्ड थ्रू द किचन ये रहा आंसर ठीक है यहाँ पे आपको मिल गया है तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे पैसेज में जो क्वेश्चन में लिखा है वही पैसेज के अंदर ढूंढो आपका वहीं पे आपको सीधे सीधे क्लियर आंसर मिल जाएंगे ये गारंटीड बात है पूरा पैसेज में मिलने वाला है आपको ठीक है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश आती नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ ये करते जाओ अरेस्टेड द वॉन्टेड मैन इन टू द स्ट्रीट ये रहा आपका आंसर ठीक है तो ये हो गया पैसेज अब जाएंगे सेक्शन बी में हम सेक्शन बी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अभी जो यहाँ पे रेगुलर वीडियोस ले रहे हैं उनको पता ही होगा फॉर्मेट और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है फॉर्मेट हमेशा सही लिखना आप ठीक है जो भी फॉर्मेट आ रहा है उसको एग्जैक्ट आपको उसी तरीके से लिखना है जैसा होता है क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं ये बता दूं मैं आपको अगर किसी को डाउट है आप मुझसे अलग से पूछेंगे उससे पहले ही बता दूं आर बी हो चाहे सी हो चाहे कोई भी हो फॉर्मेट के मार्क्स रहेंगे सेक्शन बी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्मेट रहती है फॉर्मेट गलत लिख दिया मार्क्स कटेंगे ठीक है ठीके? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है नोटिस नोटिस में हमेशा एक बात याद रखना आप वो हमेशा बॉक्स में जाएगा ठीक है जैसे ही नोटिस लिखना स्टार्ट कर रहे हो पहले ही एक बॉक्स बना दो ठीक है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा जो स्कूल है फॉर एग्जाम्पल इको क्लब जी रंगपुर है नीचे नोटिस लिखोगे हेडिंग लिखोगे हेडिंग क्या रहेगी आपकी यहाँ पे ट्री प्लांटेशन कैंप उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे लिखना स्टार्ट कर देंगे नीचे आप क्या करोगे वन वन टू बेटा ये वन वन टू क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा सीरियसली मैं को कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली वन वन टू आप क्या चाह रहे हैं मुझे प्लीज़ है, एक क्लियरली एक बार फोटोज़ अगर कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना है आपको मुझसे तो आप फोटोज़ भेज दीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूरा पीडीएफ भेज दीजिए आप पेपर का हम उसको लाइव लगा के सॉल्व करवा देंगे पेपर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने यहाँ पर दी हुई है आपको इस चैनल पर आप लिंक भेज दीजिए पेपर्स भेज दीजिए हमें हम सॉल्व करवा देंगे ठीक है लेकिन अभी यहाँ पे हम सीबीएसई का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं ये आर का प्रीवियस ईयर का पेपर है फॉर द गाइडेंस ठीक है तो यहाँ पर बॉक्स बनाना है आपको नोटिस में ठीक है नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हमेशा ऑप्शन रहेगा आपके पास और रहेगा ठीक है आपको दोनों में से एक चूज करना है कि कौन सा आपको करना होगा ठीक है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं दोनों में से कोई एक तो आपने किया ही होगा तो ये और में आपका रहेगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखना है आपको ठीक है तो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में आपके पास चॉइस आ रही है दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा आता है वो करना जिसमें कन्फ्यूजन है या फॉर्मेट नहीं आता उसको छोड़ देना वो मत करना क्योंकि फोर मार्क्स का पेपर ये आपका क्वेश्चन है इसको हल्के में मत लेना टू मार्क्स के आपके फॉर्मेट होंगे तो फॉर्मेट का आपका मार्क्स कट जाएगा अगर नहीं पता है तो इसलिए नोटिस का पता है तो नोटिस लिखना और एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट लिखना जिसमें आपको लगता है मैं ज़्यादा कंटेंट दे सकता हूँ वो लिखना ठीक है रियल रियल पेपर बेटा मैंने बहुत बार क्लियर कर चुकी है ये बात फिर बता देती हूँ आपको रियल पेपर आपको सिर्फ इसी चैनल पे नहीं किसी चैनल पे नहीं मिलने वाला ठीक है अनलेस जब आप पेपर दे आ जाओगे उसके बाद जो हम आपको आंसर की प्रोवाइड कराएंगे उसके अलावा आपको रियल पेपर कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है अगर रियल पेपर सॉल्व यहाँ पे करवा रहे होंगे तो हमारे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा समझ रहे हो पेपर लीक करवाने के केस में रियल पेपर कैसे सॉल्व करवा सकते हैं हम वहाँ जब बोर्ड में पेपर आएगा वो हमें ऑलरेडी यहाँ पता नहीं है है ना हम यहाँ पे सिर्फ आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं मॉडल पेपर्स कौन होता है बोर्ड खुद निकालता है खुद निकालता है कि हाँ भाई हम पेपर इस लाइन पे सेट करने वाले हैं आप इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए ठीक है तो हम आपको एक तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं अब जो पेपर आपका बोर्ड में आएगा ना वो इससे एक लेवल इजी ही आएगा नीचे आएगा अगर आप ये वाले प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो पेपर आपको करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी वो हंड्रेड परसेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ही हैं ठीक है ठीके? तो इम्पॉर्टेंट है ये हंड्रेड परसेंट मैं आपको बता सकती हूँ कि ये वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन ये रियल पेपर नहीं है रियल पेपर ऐसा का ऐसा सेम टू सेम नहीं आने वाला है क्वेश्चन पेपर वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर वो आ जाएगा अगर तो ये फिर एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है ना तो ऐसी बात है ये क्लियर वाला पेपर नहीं है नेक्स्ट है आपका इधर यू वेंट टू द नियर बाय हॉस्पिटल कंडीशन ऑफ मिजरेबल रिपोर्ट लिखनी है आपको ठीक है रिपोर्ट लिखने में आगे रिपोर्ट में बॉक्स नहीं आता है रिपोर्ट में आप बॉक्स बना दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा रिपोर्ट में बॉक्स नहीं आता है ठीक है ये रिविजन करने की बातें हैं एंड टाइम पे जो आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स याद रखने चाहिए वो पॉइंट्स हैं ये है कि आपको किस में बॉक्स बनाना है किस में नहीं बनाना है वो वाली बातें हैं ये सब ठीक है सिमिलर वर्ड कैसे फाइंड करते हैं बेटा मैंने आप भी जब पैसेज आपको करवाया था सॉल्व तो मैंने बताई थी मैं फिर बता दूंगी ठीक है दो तो मिनट रुक जाओ अगर टाइम बचेगा हम दोबारा बता देंगे इस चीज़ को सारे जितने भी मॉडल पेपर्स हमने सॉल्व किए सब में मैंने आपको ये चीज़ बताई है आप एक बार फिर से वीडियोस देखिए सब कुछ रिवीजन करेंगे आपको पता चल जाएगा है ना अगर मेरे पास अभी टाइम बचता है तो मैं दोबारा आपके लिए ये चीज़ कवर करवा दूंगी तो यहाँ पर रिपोर्ट में आपको बॉक्स नहीं बनाना है आपको सिर्फ हेडिंग डालनी है उसके बाद बाय लिखना है ब्रैकेट के अंदर कि बाय न्यूज रिपोर्टर प्लेस लिखोगे डेट लिखोगे एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग द बॉडी पार्ट ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन में और में दे रखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी तो ये आपके अब सिलेबस में नहीं है ये मत देखना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर ये पूछा गया था अब नहीं पूछ रहे किसी भी मॉडल पेपर में हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है तो ये हंड्रेड परसेंट आपको नहीं करना है इसमें टेंशन मत लेना अब ठीक है तो ये आपका सिलेबस का नहीं है प्रीवियस ईयर था यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ बिजनेस लेटर बिजनेस लेटर लिखना है मतलब हंड्रेड परसेंट इट इज़ अ फॉर्मल लेटर ठीक है जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन uh, है अभी तक फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर से ज़्यादा आ रहा है तो आप फॉर्मल लेटर का एक बारी फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के जाना ठीक है तो फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का अच्छे से पढ़ के जाना ये हंड्रेड परसेंट आएगा हंड्रेड परसेंट कह सकती हूँ मैं मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि फॉर्मल लेटर आपके राइटिंग पोर्शन में आएगा ही आएगा एंड नोटिस नोटिस भी आएगी ठीक है नोटिस रिपोर्ट एंड फॉर्मल लेटर ये तीनों अच्छे से करके जाना इनके फॉर्मेट एकदम रट के चले जाना ये तीनों हंड्रेड आएंगे आपके ठीक है बिजनेस लेटर में आप क्या करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में दो ही डिफरेंस एक ही डिफरेंस होता है दोनों में ये कि फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस आएगा इनफॉर्मल लेटर में रिसिवर्स एड्रेस नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिखना है आपको तो यहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखेंगे आप ठीक है इसमें रिसीवर एड्रेस लिखना है सिर्फ सिंपल सा इतना सा डिफरेंस होता है दोनों के फॉर्मेट में इतना अगर कर दिया तो मार्क्स आपके मिल जाएंगे आपको ठीक है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस फिर एक लाइन छोड़ के डेट फिर एक लाइन छोड़ के रिसिवर्स एड्रेस फिर लाइन छोड़ोगे सब्जेक्ट फिर लाइन छोड़ेंगे एंड देन यू विल राइट स्टार्ट राइटिंग द सर एप्लीकेशन रिस्पेक्टेड सर या मैडम एंड आप लेटर लिखोगे ठीक है ना लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली ठीक है ये लिखना है आपको नेक्स्ट है आपका और में ऑप्शन है जॉब एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन अगेन आपके यहाँ पे रिज्यूमे के साथ डालना है आपको मेरे हिसाब से जॉब एप्लीकेशन अब आपके सिलेबस में है नहीं क्योंकि किसी भी मॉडल पेपर में मैंने नहीं देखा था जॉब एप्लीकेशन पर अगर ये <coughs> आ जाती है तो आपको इसमें फॉर्मल लेटर ही लिखना है प्लस साथ में सीवी अटैच करना है पर ये सिलेबस में नहीं है शायद आपके ठीक है पिछले साल आया था इस बार कोई भी मॉडल पेपर में जॉब एप्लीकेशन सीवी रिज्यूमे ये सब नहीं आया है ठीक है तो मेरे हिसाब से ये आपके सिलेबस में नहीं है इसको आप छोड़ देना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी सेक्शन सी आपका ग्रामर रहता है ग्रामर में बहुत लोगों को टेंशन होती है जितने भी मॉडल पेपर हमने सॉल्व किए हैं लगभग बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन आएगा आपका तो उस तरीके से आप ढंग के ढंग से करके जाना प्रैक्टिस वो आपका कवर करवा देगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक तो है तो यहाँ हम देखते हैं विपिन सोल्ड द पेंटिंग ही पेंटेड इट ओवर नाइट ठीक है आपको ब्रैकेट के वर्ड्स को यूज करके इस पूरे सेंटेंस को ज्वाइन करना है पूरा एक करना है ठीक है तो यहाँ क्या बनेगा विप इन सोल्ड देंटेड पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवर नाइट ही यहाँ पे हम लगाएंगे फुल स्टॉप जो है इसके बीच में आप लिख दोगे विच ठीक है तो विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवर नाइट ठीक है विच ही पेंटेड ओवर नाइट इट हटा देंगे यहाँ से इट नहीं लगेगा दिपिन सोल्ड द पेंटिंग ही विच ही पेंटेड ओवर नाइट ठीक है नेक्स्ट है लाइट फुल स्टॉफ द चिल्ड्रेन हार्ट स्लेप्ट वेन वेन लगाना यहाँ पे यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे शी पुट ऑफ़ द लाइट्स वेन द चिल्ड्रेन हैड स्लिप्ट ठीक है शी पुट ऑफ द द वेन हैड स्लिप उनके बच्चों के सोने के बाद उसने लाइट बंद कर दी ठीक है ये डेस्क वर्क नहीं है बेटा डेस्क वर्क जो हमारा था वो हम नाइन मॉडल पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ठीक है थीके? आपको उनकी वीडियोस मिल जाएगी आप वो जाके एक बार रिवीजन कर लीजिए ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर का पेपर 2023 का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा आपको एक आइडिया दे देगा कि किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है थीके? आई बात समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंबाइन ईच ऑफ द सेंटेंस टू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड ठीक है जैसे बोल रहे हैं वैसे करना है आपको सुशील वॉज पनिश सुशील वॉज फाइंड ठीक है तो यहाँ पे आप लिखोगे कंपाउंड में बदलना है आपको इसको तो यहाँ पे आप लिखेंगे सुशील वॉज पनिश्ड एंड एंड ही वॉज फाइंड ठीक है एंड वॉज फाइंड या फिर ही वॉज फाइंड सुशील वॉज पनिश्ड एंड ही वॉज फाइंड ठीक है ये हो गया आपका कंपाउंड एंट्री कंपाउंड सेंटेंस देन आप नेक्स्ट करेंगे द अर्थ इज राउंड फुल स्टॉप एवरी वन नोज इट कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो अर्थ इज राउंड एंड एवरी वन नोज इट ये हो जाएगा आपका द अर्थ इज राउंड एंड एवरी वन नोज इट ठीक है ये हो गया आपका ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट पे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं ग्रामर बहुत ईजी आएगी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है ईजी आएगा पेपर फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स रिच ट्रिब्यूट आर पेड फॉर टू या बियॉन्ड बियॉन्ड नहीं आएगा बियॉन्ड मतलब एक लिमिट से ऊपर फॉर नहीं आएगा टू ठीक है टू आएगा रिच ट्रिब्यूट आर पेड टू द ग्रेट मैन ठीक है द फेमिना वर्ल्ड हैज क्रिएटेड अवोल्यूशन डैश द फैशन एरिना ठीक है अप नहीं आएगा ऑन नहीं आएगा इन आएगा इन द फैशन एरिना ठीक है किसी के एरिना uh, के अंदर की बात कर रहे हैं हम तो इन इन द फैशन एरिना ठीक है तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फ्रेजल वर्ब्स प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथामेटिक्स ग्रूप शी डैश विथ हर डिसीजन गेट्स आउट गेट्स ऑन गेट्स अलॉन्ग गेट्स अलॉन्ग मतलब होगा किसी के साथ अपने आपने जो डिसीजन लिया आप उस पर काम कर रहे हो आप किसी के ऊपर काम कर रहे हो गेट्स अलोंग ठीक है तो यहाँ पे आप गेट अलोंग लोगे किसी के साथ चल देना ठीक है काम करना मतलब गेट अलोंग तो ये होगा आपका गेट्स आउट मतलब कि डिसीजन तो आपने कुछ लिया था लेकिन आप उससे बाहर निकल गए अब ठीक है और गेट्स ऑन गेट्स ऑन मतलब किसी के ऊपर चढ़ना या फिर चढ़ने वाली बात हो गई ऑन नहीं लोगे आप गेट्स अलोंग मतलब कोई डिसीजन आपने लिया तो उसके साथ आप चल दिए बेटा ये सब आपका खुद का डिस्क्रिप्शन है ठीक है मैंने जो हमने अभी तक जितने भी किए हैं या फिर जो भी सब लिखते हैं वो सब डिट्टो लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं पैसेज में जो आंसर लिखना है वो आपको डिट्टो ही लिखना पड़ेगा ठीक है उसको आंसर को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसेज है तो पहले तो उसमें से जो आपको दिख रहा है सामने आप एज़ इट इज़ लिखोगे ठीक है अगर आपको चाहिए कि आपको नहीं लिखना है या आपको किसी और तरीके से करना है तो आप कोई और तरीका यहाँ पे बिल्कुल फॉर श्योर यूज़ कर सकते हो वो आपका डिस्क्रिप्शन आपके मार्क्स हैं मैं यहाँ पे सिर्फ एक गाइडेंस दे रही हूँ हो सकता है मुझसे भी कुछ एक आधी गलती हो जाए दो चार ऊपर चीज़ें हो जाए पर उसमें इतना ज़्यादा वाली बात नहीं हो जाती सबका अपना मन है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो ठीक है मैं यहाँ पे आपको सिर्फ गाइडेंस देने के लिए बैठी हुई हूँ गाइडेंस दे रही हूँ आपको लेना आप लीजिए नहीं लेना है आई एम रियली सॉरी अगर कुछ भी गलत है तो ठीक है लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हो अपना पेपर डेस्क वर्क बेटा डेस्क वर्क नहीं है आप परेशान मत हो बिल्कुल भी कोई दिक्कत मत लो ठीक है इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है इसके रिलेटेड आपका पेपर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है ठीक है तो मैं सिर्फ ये आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ आप ही सोल्व कर लीजिए डेफिनेटली आपको हेल्प देगा ये एग्जाम के अंदर ठीक है डेस्क वर्क ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है नाइन मॉडल पेपर्स हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में है आपको चाहिए तो आप एक बार वापस जाके रिवाइज कर सकते हो वो आपको बहुत हेल्प कर देगा ठीक है नेक्स्ट डे आई मस्ट डैश माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक पुट आउट नहीं पुट ऑफ ठीक है ये कल ही कल वाले मॉडल पेपर में नाइन्थ मॉडल पेपर में जब हम कर रहे थे जिन लोगों ने भी आपने क्लास लिया आपको पता होगा ये हमने कल ही किया है ठीक है ये क्वेश्चन सेम टू सेम था तो पुट ऑफ ठीक है पुट ऑफ मतलब किसी चीज को थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना ठीक है तो ये हो गया आपका पुट ऑफ यहाँ पे आपका ये वाला सेक्शन ग्रामर सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट है सेक्शन डी सेक्शन डी में आपका यहाँ पे सीन पैसेज आ रहा है सीन पैसेजेस मतलब जो आपके चैप्टर के पैसेजेस रहेंगे जो आप चैप्टर में ऑलरेडी एक बार कर चुके हो ठीक है तो वो आपके सीन पैसेज रहते हैं अनसीन पैसेज यानी उन पैसेज को आपने इससे पहले कभी भी कहीं भी देखा नहीं है वो अब आप, आप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो तो वो हो गया अनसीन पैसेज सीन पैसेज होता है कि आप यहाँ पे उस चीज़ को पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो और वो अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने मिल रहा है तो सीन पैसेज ठीक है तो यहाँ पे वॉट वॉज द नरेटर्स फियर आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्प मी फर्मली इन इट्स ग्रिप एंड ऑक्टोबर डिसाइडेड इंस्ट्रक्टर लर्न टू स्विम ठीक है तो लर्निंग टू स्विम वॉज द फियर ऑफ द नरेटर ठीक है लर्निंग टू स्विम स्विम स्विमिंग वॉज द फियर ऑफ द नरेटर ये आपका फर्स्ट रहेगा ये यहाँ पे चैप्टर है आपकी बुक के अंदर उसी का आ रखा है वो पैसेज यहाँ पे तो ये आपको पता भी होगा ठीक है नेक्स्ट है नरेटर टेक तो यहाँ पर ये रहा आपका आई डिसट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम यह रहा आपका आंसर नंबर टू ठीक है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अब एक इंस्ट्रक्टर बुलाऊंगा और मैं स्विम करना सीखूँगा दिस इज यो आंसर नंबर टू थर्ड इज वॉट टिप वॉज गिवेन टू द नरेटर

नरेटर को यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर के बारे में लिखना है कि इंस्ट्रक्टर ने क्या टिप दी थी नरेटर को ठीक है तो ये आपके डायरेक्टली ऑब्वियस की बात है यहाँ पे पैसेज में नहीं दिया हुआ है कहीं पर भी टिप के बारे में नहीं था ठीक है टिप के बारे में नहीं बताया हुआ है लेकिन ट्रिप बोला हुआ है यहाँ पर अब या तो ये मिसप्रिंट नहीं है लेकिन आपको आपके पैसेज में पता होगा बेटा फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब का मैंने आपको जब मॉडल पेपर करवाए हैं तो उसमें मैंने आपको सिखाई थी एक चीज़ कि कैसे लॉजिकली करते हैं आपका जो ये फ्रेजल वर्ब होगा वो डेली लैंग्वेज में अपन जो डेली लाइफ में लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे भी आपके फ्रेजल वर्ब हो जाते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को हटाना अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर करना तो ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर रखना है ना इन मतलब किसी के अंदर तो ये सारी चीज़ें आपको अपने जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना अपन डेली लैंग्वेज में उससे फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं तो इसके लिए आप क्या करोगे एक बारी मेरी जो सारी मॉडल पेपर की जो वीडियोज़ हैं वो देख लो उसके अंदर आपका सारा डाउट कम्प्लीट पूरा खत्म हो जाएगा फ्रेजल वर्ब पूरा सिखा चुका है ऑलरेडी और फिर ग्रामर की जो वीडियोज़ हैं ग्रामर की कुछ डेडिकेटेड चार या पाँच वीडियोज़ बना रखी हैं इस चैनल पर हमने उसमें सारा ग्रामर कम्प्लीट है ट्वेल्थ क्लास का ठीक है तो वो आप एक बार ही कर लो है ना तो इन दोनों चीजों से आपका फ्रेजल वर्ब का डाउट क्लियर हो जाएगा हंड्रेड परसेंट वहां से आप एक बार ही अपने चीज को क्लियर कर लीजिए ये अभी यहाँ पे सिर्फ रिविजन चल रहा है रिविजन में अगर आप देखोगे तो आप और कन्फ्यूज हो जाओगे है ना तो रिविजन कोई भी चीज ऐसी है जो आपको बिल्कुल नहीं आती है वो आप एक बार पहले वाली वीडियोज जाके देखो और फिर आप ये एंड टाइम रिविजन जो होता है उसमें ये वीडियोज देखना आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा ये गारंटी है मेरी ठीक है हाँ हिंदी मीडियम हो आप चाहे इंग्लिश मीडियम हो कोई दिक्कत नहीं है है ना वो चीज़ आपके हंड्रेड परसेंट समझ में आएगी नॉर्मल छोटी मोटी इंग्लिश सबके समझ में आती है ऑफ़ अवे अवे मतलब दूर है ना तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं आपके बिल्कुल समझ में आएगी आप एक बारी वीडियोज़ देखिए और ग्रामर की वीडियोज़ देखिए जो मैंने बनाई है चार या पाँच वीडियोज़ हैं ग्रामर की वो देखिए फ्रेजल वर्ब उसमें पूरा हो चुका है ठीक है तो आप देखेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी उससे नेक्स्ट डे हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू स्लैक हिज फियर ठीक है तो ये यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर बिट बाय बिट ठीक है इट वाज थ्री मंथ्स बिफोर द टेंशन देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस उसके बाद आई रिपीटेड द एक्सरसाइज यहाँ पर बिट बाय बिट ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट डे व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एक्सहेल एक्सहेल का अपोजिट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं योगा करते हैं तब क्या होता है एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल तो अपोजिट ऑफ एक्सहेल इज इनहेल ठीक है वन वर्ड फॉर सडन अनकंट्रोलेबल फियर ठीक है सडन अनकंट्रोलेबल फियर का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा पैनिक ठीक है पैनिक यहाँ पे इसका मतलब है येरा पैनिक यूज हो रहा है ठीक है तो एकदम से सडनली जो हमको शॉक आता है उसको बोलते हैं हम पैनिक ठीक है तो ये सडन ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया तो यहाँ पे छः मार्क्स सेक्शन डी में आपके कॉम्प्रीहशन से ही हो जाएंगे ये भी इजी रहेगा आपके लिए ठीक है नेक्स्ट है आपके एट्टी वर्ड्स वर्ड्स का हंड्रेड परसेंट ध्यान रखना मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बोली है एट्टी वर्ड्स यानी कुछ एट या नाइन लाइन्स हो जाती हैं एट टू नाइन लाइन्स के बीच में आपको ख़त्म करनी है अपनी बात ठीक है तो हमेशा स्टैंडाज रहते हैं स्टैंडा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंसज देख लेना स्टैंडा की पूरी वीडियोस बन चुकी हैं पांच पोयम है पांचों पोयम में से जितने भी स्टैस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टैसाज सबका वीडियो बाय वीडियो एक एक वीडियो सारे पांचों चैप्टर की स्टैंडा हमने सॉल्व करवा दिया है तो वो भी आप एक बार अटैम्प्ट करके देखना वीडियोस ले लेना स्टैंडा का डाउट आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा उसके अंदर ठीक है तो स्टैंडा कंप्लीट हो चुके हैं ये आप यहाँ से मिल जाएगा आपको डन उसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्ड लिमिट याद रखनी है बीस से पच्चीस वर्ड यानी कुछ टू या थ्री या फोर लाइन्स मैक्सिमम फोर लाइन्स में आपको अपना आंसर खत्म करना है ठीक है बीस पच्चीस का ये हो जाएगा देन कीप इन माइंड एंड रिमेंबर अबाउट द च्वाइज ठीक है बी वेरी केयरफुल अबाउट द चॉइसिस चॉइसिस रखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ लेना कि एनी सिक्स एनी टू एनी थ्री है ना ऐसा कुछ दे रखा है अगर तो पहले ही मार्क कर लो कि मुझे ये करना है कि ये करना है ऐसा एक जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनी वन लिख रखा है है ना क्वेश्चन के अंदर देख रखा है अब बहुत बच्चे क्या करेंगे स्टैंड से लिखना है अच्छा दो दे रखे फटाफट लिखना स्टार्ट कर देंगे एनी वन तो पढ़ो यहाँ पे एनी वन करना है आपको कोई भी एक ही करना है तो एक ही करना है ना अगर आप दोनों पेर करने बैठ गए तो नुकसान कुछ नहीं है आपके नुकसान टाइम का हो जाएगा फ़ायदा तो एक सेकेंड नहीं होने वाला जो एग्जामिनर चेक करने बैठेगा उसको जो फर्स्ट चांसा मिलेगा वो चेक करेगा मार्क्स दे के वहाँ से निकल जाएगा ठीक है एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको जरा सा भी कि भैया बच्चे ने दो किए तो ज़रा सा ज़्यादा मार्क्स दे देता हूँ ऐसा नहीं होगा एक मार्क मिलेगा वहाँ पे और ख़त्म बात ठीक है लेकिन क्या होगा अगर दो दो करने बैठ गए तो आगे के क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा ठीक है तो चॉइस बहुत अच्छे से देख लेना जहाँ एक करना है वहाँ एक ही करना जहाँ सारे करने वहाँ सारे करना चॉइस देख के करना आप है ना बिना चॉइस देखे मत करना पेपर अटैम्पा पे टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट रखना स्टार्टिंग से स्पीड में रहना है आपको स्पीड में ही रहना ज़रा सा भी सुस्त मत पढ़ना जल्दी 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 पेपर करके करके आपको पूरा ख़त्म करना है पेपर लेंगदी आएगा काफ़ी ठीक है पास होने के लिए आपको 33 परसेंट चाहिए होते हैं 100 मार्क्स का अगर पेपर आ रहा है तो 33 नंबर हो गए ठीक है और अगर 80 या फिर 70 में जा रहा है तो कुछ 27, 28 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं लेकिन पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छा करके आना है अपन को सिर्फ पासिंग मार्क्स मत करना ठीक है अगर आप सोचोगे कि पासिंग मार्क्स में हो जाऊंगा तो पीछे ही अटक जाओगे कहीं पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छा पेपर करके आना है अपन को अच्छे से रिविजन कीजिए हो जाएगा आपका ठीक है तो ये पूरा सेक्शन डी लिटरेचर हो गया है आपका ठीक है आपके पास ये जो जितने भी यहाँ पे मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं या फिर प्रीवियस ए के पेपर्स हैं जितना भी है सब कुछ आपको पी डी में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मैया पाठशाला स्कूल अगर आपको चाहिए कि मुझे फिर से रिविजन करना है देखने क्वेश्चन तो आप वहाँ से ये चीज़ डाउनलोड कर लीजिए और आपको चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है वहाँ से आप वापस डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे सेक्शन थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रपरेशन अच्छे से आप लोग अपना रिविज़न कीजिए और एंड टाइम पर रिविज़न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिविज़न करके ही एग्जाम में जाना ठीक है तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच